Hello and welcome to our YouTube channel SSB Tech Computer, where we share all the news and the information related to the computer and the technology. आज के अपने इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ब्लॉगर्स को कि Google का एक प्लेटफॉर्म है, Google का एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है Google Blogger. उस ब्लॉगर पर हम किस तरीके से काम कर सकते हैं, अपने अकाउंट को किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं. तो इस तरीके की सारी चीज़ें हम अपनी वेबसाइट्स को बना सकते हैं. वेबसाइट क्या है, एक तरीके का सब डोमेन के साथ आपकी एक वेबसाइट तैयार कराता है Google. का ब्लॉगर एप्लीकेशन आप गूगल पर सिंपली आप अपने होम पेज ओपन करेंगे गूगल का, और उसमें आपकी जो भी जीमेल चल रही होगी तो यहाँ पर 9 डॉट्स आपको शो करेंगे. 9 डॉट्स पे आके आप गूगल ब्लॉगर के ऑप्शन को पिक करेंगे. कंप्यूटर पे तो 9 डॉट्स दिखाई देते हैं, बट बाई चांस आप अगर इस काम को अपने फ़ोन में करना चाह रहे हैं तो फ़ोन में आपको 9 डॉट्स नहीं दिखाई देंगे. फ़ोन में 9 डॉट्स को देखने के लिए आप सबसे पहले अपने क्रोम पर जाएंगे और वहां पर राइट में 3 डॉट्स पर क्लिक करके उसे डेस्कटॉप मोड लगा लेंगे. तब आपको 9 डॉट्स दिखाई देंगे और आप वहां से इस ब्लॉगिंग के ऑप्शन को पिक कर सकते हैं. जैसे ही आप गूगल ब्लॉगिंग पे पिक करेंगे आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा. इस इंटरफेस पर आप अपनी वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं या फिर बोलें तो अपने ब्लॉग को क्रिएट कर सकते हैं. इस ब्लॉग का आउटपुट आपको किस तरीके से दिखाई देगा, तो देखिए यहाँ पर एक ब्लॉग है, उस ब्लॉग को हम आपको दिखाते हैं कुछ इस तरीके से. आप अपने ब्लॉग को पर्सनलाइज थीम्स के थ्रू बिल्कुल वेबसाइट की ही तरीके लुक भी दे सकते हैं. यहाँ पर हमारे पास एक ब्लॉग है, देखिए नाम आपको शो कर रहा होगा ssbtechcomputer.blogspot.com. अलग अलग फीचर्स है, होम, अबाउट, साइट मैप, कॉन्टैक्ट, अवर लुक, बुक, जो हमारी बुक अमेजोन पर पब्लिश है उसका, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक. यहाँ पर आपका ब्लॉग का नाम, एड्रेस, यहाँ पर अलग अलग लिंक्स, टेस्ट आपको कर देने CCC के, माइक्रोसॉफ्ट बेसिक्स के, ऑपरेटिंग सिस्टम्स के, इंटरनेट के, या फिर अदर सॉफ्टवेयर्स को आपको रीड करना है या फिर मॉक टेस्ट देने. अलग अलग टॉपिक्स की यहाँ पर लिंक्स आप प्रोवाइड करा सकते हैं कुछ इस तरीके से. अलग अलग पेजेस हैं कि आप यहाँ से, फिर नीचे आपकी ऑथर लिस्ट, आपके अलग अलग पेजेस, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, प्राइवेसी पॉलिसी, ये सब आप यहाँ पर दे सकते हैं. आपके जो रिसेंट के ब्लॉग्स होंगे वो आपको यहाँ पर शो करे देंगे, जो पॉपुलर होंगे, जो आपके कमेंट्स आ रहे होंगे. आप अगर इस ब्लॉग को किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करना चाहते हैं तो उसको कर सकते हैं. आपके जो सबसे ज़्यादा व्यूएबल ब्लॉग होंगे वो आपको यहाँ पर शो करेंगे. अगर आपको ब्लॉग की लैंग्वेज में चेंजमेंट करना है तो आप वो यहाँ से कर सकते हैं. आपकी फॉलोवर लिस्ट, आपको अगर इस ब्लॉग में कुछ सर्च करना है, एक्सेट्रा. तो इस तरीके का आप एक पर्सनलाइज ब्लॉग अपने लिए तैयार कर सकते हैं, जो कि बाद में आपके लिए एक इनकम का सोर्स भी बन सकता है. तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं कि आज हम लोग ब्लॉगिंग को किस तरीके से स्टार्ट करेंगे. तो आपने अपने गूगल अकाउंट पर लॉगिंग कराया. गूगल अकाउंट पर लॉगिंग कराने के बाद साइड में ऑप्शन आ रहा है साइन इन और क्रिएट योर ब्लॉग का. तो आपका अकाउंट ऑलरेडी अगर साइन इन है तो आपको साइन इन कराने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज आप साइन इन कराएंगे. फिलहाल हमने यहाँ पर क्लिक किया क्रिएट योर ब्लॉग. जैसे ही हम क्रिएट योर ब्लॉग वाला ऑप्शन पिक करेंगे तो अगर हमारे कंप्यूटर में एक या एक से ज़्यादा मेल एड्रेसेस काम कर रहे होंगे तो आपको अपनी मेल पिक करनी होगी. तो फिलहाल हमने यहाँ पर कोई भी मेल पिक कर ली जिसपे हमें अपने ब्लॉग को क्रिएट करना है. अब वो हमारे ब्लॉग को हमारी मेल एड्रेस से मैच कराएगा. बस यहाँ पर आपको स्टेप्स को पढ़ते जाना है. सिंपली लिखा हुआ है, जैसे पढ़ेंगे वैसा काम करना है. कह रहे चूज अ नेम फॉर योर ब्लॉग, आप अपने ब्लॉग के लिए क्या नाम रखना चाहते हैं. दिस इज द टाइटल दैट विल बी डिस्प्लेड एट द टॉप ऑफ योर ब्लॉग. ये आपका टाइटल होगा जो कि आपके ब्लॉग के टॉप पर डिस्प्ले करेगा, माने इसी नाम से आपका ब्लॉग ढूंढा जाएगा. तो इस स्टेप पर आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं करना है, हमें सारे स्टेप्स को एक एक करके फॉलो करना है. तो यहाँ पर हम एक ब्लॉग बनाते हैं. इस ब्लॉग का हमने नाम दे दिया शायरी. नेक्स्ट, अब यहाँ पर हमें एक बनाना है URL. URL क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का क्या मतलब, जैसे आप अगर कोई भी वेबसाइट को सर्च करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर सर्च किया WhatsApp को, तो आपने WhatsApp को लिखा और WhatsApp वेब का जब भी पेज ओपन किया तो हमारे पास ये एक एड्रेस आया. इस एड्रेस पे ही ये पेज एक तरीके से लिंक्ड है. तो इस एड्रेस को ही हम लोग बोलते हैं URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. तो आपको यही बनाना है कि आप क्या लिखें जो आपकी वेबसाइट ऊपर की ओर रैंक करें. तो यहाँ पर हमने नाम दे दिया शायरी. अब देखिए नीचे लिख के आ रहा है सॉरी दिस ब्लॉग एड्रेस इज नॉट अवेलेबल, क्योंकि ये ब्लॉग एड्रेस ऑलरेडी ले लिया गया. एक बात जो हमें यहाँ पर ध्यान रखनी चाहिए कि हमें अपने ब्लॉग का URL ऐसा बनाना चाहिए जो बहुत ज़्यादा सिंपल हो, बहुत ज़्यादा सर्चेबल हो. मतलब जैसे मान लीजिए हमारा एक ब्लॉग बना रहे हैं हम शायरी से, मोटिवेशनल से, स्टेटस से रिलेटेड,
तो यहाँ पर हमें एक ऐसा नाम देना है जो लोग बहुत ही नॉर्मल तौर पर सर्च करते हो, कोई बहुत ही भारी नाम नहीं दे देना है जो आपको लग रहा है कि हाँ ये बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन अच्छा नहीं ढूंढना है यहाँ पर, आपको वो ढूंढना है जो आसानी से लोग सर्च करें। यहाँ पर हमने दे दिया शायरी मोटिवेशन, चेक करेगा अवेलेबल है कि नहीं, ये भी यहाँ पर अवेलेबल नहीं। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि अगर आप कोई भी यूआरएल बना रहे, तो यूआरएल बनाने के दौरान आप उसमें स्पेस या फिर अंडरस्कोर ये सारी चीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो शायरी मोटिवेशन के बाद हमने लिख दिया जोक, दिस ब्लॉग एड्रेस इज अवेलेबल, हमारा ये ब्लॉग एड्रेस अवेलेबल है। तो अब हमारा ब्लॉग का एड्रेस क्या बनेगा, शायरी मोटिवेशन जोक, या फिर आप इसे और कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमने डाल दिया मोटिवेशन, तो ये तो अवेलेबल नहीं है। मोटिवेशन स्टेटस नहीं, मोटिवेशन ब्लॉग ये भी अवेलेबल नहीं है। मोटिवेशन इंडिया अवेलेबल, तो हमने यहाँ पर नाम बना दिया मोटिवेशन इंडियन, या फिर आई हटा के देख लिया अगर चल जाए तो इंडियन हो जाएगा, नहीं अवेलेबल है। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से कोई भी ब्लॉक का एड्रेस बना दिया। तो अब हमारा एड्रेस आएगा www.motivationindiain.blogspot.com। नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट करने के बाद क्या रहा है, कंफर्म योर डिस्प्ले नेम, आप अपने मतलब कि रीडर्स जो भी आपके ब्लॉग को रीड करेंगे उनको क्या नाम शो करना चाहिए, तो वो आपको यहाँ पर दे देना है। तो हमने यहाँ पर नाम दे दिया मोटिवेशन, फिनिश, प्रोसेस होगा, प्रोसेस के बाद वो सारी चीज़ें फिनिश करेगा, फिनिश करने के बाद हमको उसका प्रीव्यू शो करेगा कुछ इस तरीके से। यह है गूगल ब्लॉगर का इंटरफेस, इस इंटरफेस पे ही हमको अपनी सारी चीज़ें बनानी है या फिर सारी चीज़ें दिखाई देंगी। आप इन सभी को हटा सकते हैं बड़ी आसानी से, क्योंकि इन सब में बहुत सारी ऐसी चीज़ें लिखी जो आप कत्ता ही नहीं पढ़ोगे। तो अब कुछ इस तरीके से हमें अपनी सारी चीज़ें दिखाई देंगे। देखिए, आपने वहाँ पर नाम दिया था शायरी, शायरी नाम से आ रहा, इसके नीचे अगर आप कोई दूसरा अलग ब्लॉग बनाना चाहते, जैसे यहाँ पर एक ब्लॉग बना दिया शायरी का, एक बना दिया मोटिवेशन का, अब आप कोई नॉलेजेबल और बनाना चाहते हो, तो आप न्यू ब्लॉग पर करके पूरा प्रोसेस दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर दिखाई दे रहा है देयर इज नो पोस्ट, क्योंकि आपने अभी तक कोई पोस्ट क्रिएट ही नहीं किए। जैसे ही आप यहाँ पर पोस्ट क्रिएट करेंगे, यहाँ पर ऑल में आपको काउंटिंग शो करने लगेगा, और यहाँ पर चेक बॉक्स पे टिक करते टाइम वो सारे ब्लॉग एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे। ब्लॉग को बनाने के लिए आप ऑप्शन पिक करेंगे न्यू पोस्ट का, न्यू पोस्ट पर आप आएंगे और आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। अब इस इंटरफेस में आपको जो भी चीज़ क्रिएट करनी है, जो भी आपको लिखना है, वो आप यहाँ से लिख सकते हैं। देखिए, ब्लॉग बनाना आसान है, बट ब्लॉग पे कंटेंट को अपलोड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ जाता है। कैसे मुश्किल पड़ता है, देखिए, जैसे मानिए आप मोटिवेशन की वीडियोस बना रहे हैं, आप मोटिवेशन के ब्लॉग को क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप वो सारी चीज़ें डालेंगे जो लोगों को मोटिवेट करती हो। अब इस मोटिवेशन की चीज़ों को बनाने के लिए आपकी सबसे पहले थिंकिंग अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, माने आप चीज़ों को सोच पा रहे हो। ये नहीं कि आपने क्रोम को ओपन किया, सर्च किया मोटिवेशन स्टेटस, जो जो आपको अच्छे लगे आपने सब कॉपी करे और अपनी वेबसाइट पे लाके पेस्ट कर दिए। ऐसा करने से आपका ब्लॉग कभी भी ऊपर की ओर रैंक नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी ऐसी वेबसाइट से पिक कर रहे हैं डेटा जो कि ऑलरेडी फेमस है। तो जब एक उसी चीज़ को कोई फेमस ब्रांड प्रमोट कर रहा है, तो कोई आपके ब्रांड को क्यों ढूंढेगा। तो इसलिए आपको कंटेंट में बहुत ज़्यादा यूनिक होना पड़ेगा, कंटेंट आपका यूनिक होना चाहिए, मानो ऐसा कंटेंट इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं हो। जब तक आप कुछ अपडेट करके क्रोम पर या फिर इंटरनेट पर अपडेट नहीं करेंगे, तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आप अपने कंटेंट को अपलोड कराएंगे कि आप क्या मोटिवेशन में दिखाना चाहते हैं, कुछ भी लिख दीजिए। जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया मोटिवेशन तो नहीं है ये, एक मूवी का डाउन वो है, क्या बोलते हैं, डायलॉग है, इफ यू आर बैड, याद आ गया होगा, देन आई एम योर डैड, डाडा, इस तरीके से आप जो भी कंटेंट बनाना चाहते हैं वो।
विंडोज 10 में या फिर गूगल ब्लॉगर ने कभी हाल ही में नया सॉफ्टवेयर भी इंट्रोड्यूस किया है, सॉफ्टवेयर के थ्रू ये लोग जो भी कमियां होती हैं, जैसे नहीं हम लोग वर्ड एक्सेल पे काम करते हैं तो कोई ना कोई नीचे अंडरलाइन आ जाती है जो कि हमें सिंटैक्स एरर, ग्रामेटिकली एरर शो करता है, तो इस तरीके से यहाँ पर इन्होंने एक सॉफ्टवेयर निकाला है जो कि तुरंत वहाँ पर शो करता है। जैसे यहाँ पर बीच में आई आ रहा है तो आई को इनके हिसाब से कैपिटल होना चाहिए, अगर आपको लगता है सही है तो आप डिसमिस कर दीजिए, वो रेड लाइन हट जाएगी। अब आप इसमें जो भी टाइटल देना चाहते, तो हमने डाल दिया मोटिवेशन कुछ इस तरीके से। यहाँ पर दो मोड होते हैं, एक होता है HTML व्यू और दूसरा होता है कंपोज व्यू। HTML व्यू में आपको इस चीज को कोड करना पड़ेगा और कंपोज व्यू में आप नॉर्मल जैसे वर्ड एक्सेल में काम करते हैं वैसे कर सकते हैं। आज हम आपको कंपोज व्यू के बारे में बताते हैं, जब इसकी अगली वीडियो अपलोड करेंगे तब आपको HTML व्यू के बारे में बताएंगे कि आप किस तरीके से इन सब चीजों को HTML के कोडिंग के थ्रू भी कंप्लीट कर सकते हैं। आपसे कोई गलती हुई, अंडू, वापस जाना, रिडू, कंट्रोल जेड, कंट्रोल वाई। आपको इस फॉन्ट की स्टाइलिंग चेंज करनी है, आपने फॉन्ट को किया सेलेक्ट, फॉन्ट टाइप, आपको किस तरीके का फॉन्ट रखना है आप उस तरीके के फॉन्ट को यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। कुरियर करना है आप इसे इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। टेक्स्ट के साइज को मैनेज करना है, स्मॉल, स्मॉलेस्ट, लार्ज, लार्जेस्ट, आपने लार्जेस्ट कर दिया। पैराग्राफ की तरह रखना है, माइनर हेडिंग है, सब हेडिंग है, हेडिंग है, मेजर हेडिंग तो हमने नॉर्मल है तो नॉर्मल तौर पर रखा। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कंट्रोल बी, कंट्रोल यू, कंट्रोल आई। स्ट्राइक थ्रू भी, इससे लाइन पास करानी हो तो यहाँ पर इस ऑप्शन को। टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से टेक्स्ट के कलर को भी चेंज कर सकते हैं। हाईलाइट करना है तो आप उसके हाईलाइटिंग में भी कोई भी कलर अप्लाई कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। फिर सेलेक्ट किया, आपको अगर इसको लिंक करना है किसी दूसरी चीज से तो आपने इस पर किया सेलेक्ट और आप यहाँ पर आके कोई भी लिंक सेलेक्ट करेंगे। लिंक को हमेशा कॉपी कराया करिए तो एग्जैक्ट लिंक कॉपी होती है, क्योंकि अगर हम लोग लिखेंगे तो हम लोग HTTP वाला सेक्शन छोड़ देते हैं या फिर कॉलन या सेमी कॉलन इधर उधर कर देते हैं तो वो दिक्कत कर देता है। तो यहाँ पर हमने लिंक पेस्ट कर दी, लिखा है ओपन दिस लिंक इन अ न्यू विंडो। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो जब कोई भी इस पर क्लिक करेगा तो इसी पेज पर ओपन हो जाएगी, जैसे आप पोस्ट एडिट है इसी की जगह पर वो ओपन हो जाएगा, और अगर हम इस ऑप्शन को ओपन कर देंगे तो इसको दूसरी विंडो पर लेके चला जाएगा। अप्लाई देखिए जरा ब्लू कलर का हो गया होगा क्योंकि लिंक अप्लाई हो गई। आपको यहाँ पर कोई इमेज इसकी इंसर्ट करानी है तो आप इमेज वाले सेक्शन पर आएंगे। कंप्यूटर से पिक करनी है तो कंप्यूटर में पिक करेंगे। फोटोज, गूगल फोटोज से लानी है तो गूगल फोटोज से। ब्लॉगर से लानी है तो ब्लॉगर से, जैसे हम ब्लॉगर पर गए। अब यहाँ पर आप ब्लॉगर्स पे जाके कोई भी फोटो सर्च करना चाहें तो गूगल आर्चीव पे जाइए और यहाँ पर आप उस फोटो को सर्च कर सकते हैं जो भी आपको मिलेंगी। आपको अगर वीडियोज चाहिए तो आप कंप्यूटर से भी ला सकते हैं और यूट्यूब से भी ला सकते हैं, कि आपने मान लीजिए कोई यूट्यूब पर वीडियो बना के इसकी अपलोड करी है तो आप यहाँ से उस वीडियो को भी इंपोर्ट कर सकते हैं। इमोजीज लाने, इमोजीज आप यहाँ से लेके आ जाएंगे जो भी आपको चाहिए। कोई अगर आपको ड्रॉ करने हैं या सिंबल बनाने हैं तो आप उनको इस तरीके से काम कर सकते हैं। कैप्शन में मैंने जो हमने लिखा है उसका अलाइनमेंट लगाना है, लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई। बुलेट्स, इंक्रीज इंडेंट आगे की ओर मूव कराना है, डिक्रीज इंडेंट पीछे की ओर मूव कराना है। बुलेट्स अप्लाई करनी है, इसको कोटेशन में लेके जाना है, जैसे हमारे मैक्सिमम हमको मिलती हैं तो कोटेशन में आ जाएंगी। कोटेशन में इनके साइज पे भी इफेक्ट पड़ता है। इसके नीचे एक लाइन शो करानी है तो लाइन आ जाएगी। आपको इसको लेफ्ट राइट, राइट अलाइट, कोई इनपुट टूल कराने हैं, कोई लैंग्वेज मूव करानी है तो आप वो सब करा सकते हैं। और अगर आपको टेक्स्ट की सारी फॉर्मेटिंग हटानी है तो आप टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग हटा सकते हैं टेक्स्ट को सेलेक्ट करके। तो इस तरीके से आप अपने कंटेंट को क्रिएट कर सकते हैं। कंटेंट को क्रिएट करने के बाद राइट हैंड साइड पे हमारे पास ऑप्शंस आते हैं। पोस्ट को अगर हम कोई लेबल देना चाहते हैं, कि हमने यहाँ पर दे दिया मोटिवेशन 1, 2, 3 जो भी लेबल्स। ये पब्लिश डेट होती है, आपको जब डेट दिखाई देगी इसमें एक ऑप्शन होता है ऑप्शंस का, कि आपके ब्लॉग पर कौन कमेंट कर सकता है। सभी कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता है। आप कोई कर दे आप माने कि अलाउ है, लेकिन आप उसे हाइड करेंगे। लोकेशन क्या जा रही है, आप यहाँ पर अपनी लोकेशन दे सकते हैं। आप इसे लिंक कर सकते हैं किसी ना किसी चीज से, पब्लिश कब करना है, ये सारी चीजें। आप इसका प्रीव्यू भी यहाँ से देख सकते हैं कि हमारा ब्लॉग किस तरीके से दिखाई देगा। कुछ इस तरीके से आपका ब्लॉग दिखाई देगा, जिसपे यहाँ पर एक लिंक लगी होगी। आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे आपको कहीं ना कहीं मूव कराएगा। आप इसे मूव कराना, शेयर करना चाहते हैं तो आप यहाँ से शेयर कर सकते हैं। क्लोज करिए और आप इसे कर देंगे पब्लिश, तो आपका एक कन्फर्म, कन्फर्म होने के बाद ये ब्लॉग पब्लिश हो जाएगा कुछ इस तरीके से। शेयर वाले ऑप्शन पर आइए, यहाँ पर आपके लिए शेयर के लिए अलग अलग ऑप्शंस आ जाएंगे। आपने कर दिया कॉपी लिंक और दूसरे प्लेटफॉर्म पर आके
लिंक को करा यहाँ पर पेस्ट और एंटर, ये रहा आपका शायरी नाम का ब्लॉग। इस पे आपने लिंक क्रिएट करी थी, लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो सीधे सीधे दूसरे पेज पर मूव कर जाएंगे। तो सिंपल तरीका हो गया, ये सबसे पहली वीडियो है हमारी इस टॉपिक पर जिसका नाम है गूगल ब्लॉगर। तो यहाँ पर हमने आपको तरीका बताया कि आप ब्लॉग को किस तरीके से बना सकते हैं। इसके बाद ब्लॉग को बनाने के बाद यहाँ पर अलग अलग तरीके के ऑप्शंस आते हैं थीम्स को मैनेज करना। जैसे अभी हमारा ब्लॉग दिख रहा था तो बहुत ही सिंपल दिख रहा था, देखिएगा ज़रा। ये कुछ इस तरीके से बैकग्राउंड पर एक लगा था, एंटर है न्यू कमेंट, यहाँ पे भी नीचे दिखाई दे रहा है पावर्ड बाय ब्लॉगर, जो थीम बनाई है वो माइकल इल्कन ने बनाई है। सारी चीज़ें मैंने भी कस्टमाइज तरीके से नहीं दिखाई दे रहा। और यहाँ पे भी शेयर के ऑप्शन में फेसबुक ट्विटर प्रिंटरेस्ट ईमेल ही आता है। मान लीजिए हमें इसको इंस्टाग्राम पे शेयर करना है तो हम कैसे करेंगे, फेसबुक व्हाट्सअप पे कैसे करेंगे, तो ये सारी चीज़ें भी हम धीरे धीरे इसमें ऐड करेंगे। हम यहाँ पर व्हाट्सअप बटन ऐड कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ पर देखिए आपने टोपोलॉजी नाम कोई भी आप ब्लॉग अगर यहाँ पर ओपन कराएंगे नीचे की ओर अगर हम ड्रैग कराते हैं इसको तो यहाँ पर हमें ऑप्शंस मिलते हैं व्हाट्सएप पर शेयर करना है टेली, ये तो हमारे प्लेटफॉर्म है कि आप हमारे व्हाट्सएप पर टेलीग्राम पर फेसबुक पेज पर ट्विटर पर इंस्टा पर जा सकते हैं। मान लीजिए आपको इसे शेयर करना है, ट्वीट करना है, फेसबुक पर शेयर करना है, तो आप यहाँ से इन सारी चीज़ों को कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें भी हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे। फिलहाल आप केवल इतना काम करिएगा कि सबसे पहले आप इन सब चीज़ों को क्रिएट करिए। जब आप इन सब चीज़ों को क्रिएट कर लें तब हमारे इस पार्ट की सेकंड वीडियो देखिएगा जिसमें हम आगे के ऑप्शन से स्टैट्स कमेंट्स ईयरिंग इन सभी को मैनेज करेंगे और कोई भी बढ़िया सी इसमें थीम कैसे अप्लाई करते हैं, उस थीम को एडिट कैसे करेंगे जो कि ब्लॉगर द्वारा प्रोवाइडेड है। और अगर ब्लॉगर के अलावा अगर हम कोई थीम पकड़ते हैं तो उस थीम को हम कैसे मैक्सिमाइज करेंगे, कैसे अपने हिसाब से कस्टमाइज करेंगे। तो आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।